क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बकरे की कलेजी बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको तवे पर बनाना सिखा चुकी हूँ। देखते हैं बकरे की कलेजी बनाने के लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगी। लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए देखते हैं कि कलेजी बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। कलेजी आधा किलो, दही आधी प्याली, प्याज 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, नमक कसवे ज़रूरत, हल्दी 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया 1/2 चम्मच। अब मैं आपको कलेजी बनाने का तरीका बताती हूँ। आपका मैंने ऑयल का डाला है, अब मैं इसमें प्याज डालने लगी। प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, हल लाइट सा, फिर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हैं। ये देखिए आप, मैं इसको भून रही हूँ। नमक, सूख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। अब इसके साथ ही मैं दही डाल दूंगी ताकि वो भी साथ साथ भून ली जाए। दही, अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी जैसे का। चार पाँच मिनट तक उसको भूनते रहना, उसके बाद पालक तैयार हो जाएगा और उसको काट लेना। ये देखिए सालन पककर बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगा। लीजिए व्यूअर्स, हमारी जो कलेजी है वो पक चुकी थी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा जो है वो गरम मसाला छिड़का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। जाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।